जी नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आप सबके साथ, आपकी अपनी ममता सचदेवा एक बार फिर से। और आज इस सुकून से बैठ के करने वाला वीडियो करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि इस तरह से आपके सामने आके आपसे रूबरू हुए बहुत टाइम हो गया था मुझे। तो मन किया कि कुछ दिल की बातें, दिल में जो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, तो उन बातों को करने के लिए मेरे पास जो सबसे अच्छा जरिया वो यही है कि आप सबके सामने आऊं, आराम से बैठूं और अपने दिल की बातें आपके साथ दिल खोल के करूं। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी तो नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी में क्या चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करना चाहती हूं मैं। अभी भी मेरे जो वर्ड्स हैं थोड़े बहुत वो रुक रहे हैं, उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। कुछ एक टाइम से, अराउंड कपल ऑफ मंथ्स से, मैं बीमार थी। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था, कंजेशन था। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज किए, मुझे रिकवरी नहीं हुई। और मैंने पता नहीं कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स की दवाइयाँ खाई, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा था। दैट्स वन थिंग। सेकेंडली, होता क्या है कि एज अ मदर, एक अपनी फैमिली का ख्याल रखना, परिवार का ख्याल रखना, वो मेरी एक ड्यूटी रहती है। उसके अलावा मेरे पास जॉब भी है, जो डे नाइट की जॉब है। जो लोग अभी तक काम नहीं करते वो शायद इस चीज़ को समझने में फेल हो जाएंगे कि रात और दिन की ड्यूटी करने वालों के लिए क्या मुश्किलात होते हैं, क्या उनके हालात होते हैं। रात, एक रात को आप कभी जाग के देखें, 3 या 4 दिन आपका जो बदन है, वो शरीर है आपका, टूटता है। तो इस तरह की जॉब जो है वो मैं करती हूँ, परिवार का ध्यान रखती हूँ। उसके अलावा और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी एज अ यूट्यूबर भी रहती है, वीडियोस को बनाना, एडिट करना, उनको डालना। तो आप कहेंगे कि ये सारी चीजें मैं ऑल ओवर अगेन आपको क्यों कह रही हूं, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग मेरे चैनल के नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि आप बहुत भद्दे लग रहे हो, आप बहुत मोटे हो गए हो, आप एक कैबिन क्रू मैनेजर हो, आपको शर्म नहीं आती, आप इतने, मतलब कैसे अपने आप को इग्नोर कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी भी किसी को इस तरह से ट्रोल नहीं करना चाहिए कि कोई मोटा है या पतला है। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले। सेकेंडली, जब तक आपको किसी इंसान की बैकग्राउंड नहीं पता कि उसके पीछे उसके हालात क्या चल रहे हैं, उसकी उस सिचुएशन के पीछे की रीजंस क्या हैं, हमें तब तक उनको जज नहीं करना चाहिए। जिस तरह से कुछ ऑडियंस मुझे जज कर रही है, या मेरे हालातों को जाने बगैर, मेरी प्रॉब्लम्स को जाने बगैर वो मुझे जज कर रहे हैं कि आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, आप बहुत मोटे हो रहे हो। आपको क्या पता उस वक्त, उस दौरान मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। ये आज मुद्दा मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं उठाया, ये मुद्दा मैं आज बहुत सारी उन लेडीज या उन लड़कों के बिहाफ पे उठा रही हूं जिनको इन चीजों का सामना आए दिन करना पड़ता है। अगर उनके चेहरे के ऊपर दाग है तो उनको सुनना पड़ता है, अगर वो मोटे हैं या बहुत पतले हैं तो उनको सुनना पड़ता है, अगर किसी का रंग गोरा नहीं है तो उनको सुनना पड़ता है, अगर किसी के बाल अच्छे नहीं है तो उनको सुनना पड़ता है, या किसी में कोई खूबी नहीं है तो उनको सुनना पड़ता है। तो बस मैं ये आप सबसे कहना चाहती हूँ कि ये सुनाने उनाने वाला जो काम है ये हमें नहीं करना चाहिए। सोसाइटी में हर तरह के लोगों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हर एक इंसान को अपनी चॉइस से रहने की, जीने की जो है फ्रीडम होनी चाहिए, अपनी चॉइस, जिंदगी जीने का तरीका अपने तरीके से चुनना, हर एक को इस चीज का हक होना चाहिए। किसी का जो रंग ऊपर वाले ने दिया है, खुदा ने, अल्लाह ने, भगवान ने, जिसने दिया है, उस चीज की कदर करनी चाहिए। एटलीस्ट उन लोगों को देखिए जिनके हाथ पैर नहीं चलते, या एक आंख खराब है, या नाक नहीं है, या कान नहीं है, या किसी के पास आवाज नहीं है। एटलीस्ट मेरे पास वो सब कुछ है, या आपके पास है, या बहुत सारे लोगों के पास है। तो जब हम किसी को ट्रोल करते हैं तो हम उनको एक्चुअली उनके बारे में, हम उनके ऊपर क्वेश्चन डाल रहे होते हैं कि आप अपने आप को देखते नहीं हो, आप कैसे हो, हम उनको नीचा दिखा रहे होते हैं। मुझे भी बुरा फील हुआ कुछ हद तक, लेकिन मुझे लगता है कि मैं फिर भी अभी थोड़ी संभल जाती हूँ, क्योंकि मैं फिर भी थोड़े प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बेचारे ऐसे लोग हैं जो किसी की छोटी सी बात को या कहे हुए कमेंट को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं, और आपको नहीं पता कि क्या पता आपकी किसी छोटी सी बात की वजह से वो कभी सुसाइड करने का सोच लें, या अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का सोच लें, या उनको ऐसा लगे कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो प्लीज़, इस तरह की भद्दी बातों से हमें बाहर आना है। अगर हमें एज अ देश, एज अ अच्छा नागरिक, ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे इंसान बन के रहना है तो हमें इन सब चीजों को रोकना होगा। लेकिन वो तभी रुकेंगी जब हम उन गलतियों को अपने आप में पहचानेंगे कि हमें ये चीज नहीं करनी है। कभी भी जो चेंज है, जो बदलाव है, वो इस तरह से नहीं आता कि दुनिया नहीं बदल रही। अगर हम इंडिविजुअली अपने आप को और अपनी सोच को बदल लेंगे तो दुनिया अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी।
कोई मोटा पतला नहीं होता, कोई भद्दा नहीं होता, सब इंसानों में कोई ना कोई अपनी खूबसूरती और अच्छाई होती है। हाँ, मेरा वेट गेन हो रहा है, मुझे उस चीज़ को जस्टिफाई करने की भी जरूरत नहीं है, बट मैं एक मदर हूँ, मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और शायद चैनल की वजह से मैं और भी ज़्यादा मशरूफ हो गई, जिसकी वजह से मैं आजकल स्विमिंग नहीं कर पा रही हूँ या जिम नहीं जा पा रही हूँ, या मुझे अपना वही जो बचा हुआ टाइम है वो कॉम्प्रोमाइज़ करके चैनल के ऊपर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा वेट गेन हो गया और मैं आगे से मोटी दिखनी शुरू हो गई। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम प्राउड ऑफ दैट। कुछ भद्दा नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता, हर इंसान अपने आप में खूबसूरत होता है, और मुझे लगता है मैं भी एक इंसान और एक जहनी तौर पे बहुत अच्छी इंसान हूँ, और अपनी जो अच्छे अच्छाई है और अपने अच्छे वर्ड्स हैं आप तक पहुँचाने की हमेशा कोशिश करती हूँ। और चाहे लोग मुझे गालियाँ भी लिखेंगे, बुरा भला कहेंगे, और भी ज़्यादा ट्रोल करेंगे, गलत चीज़ें भी लिखेंगे आने वाले टाइम में, इस चीज़ को पहले भी कह चुकी हूँ, वो हर एक मीडिया पर्सन को फेस करना पड़ता है, मुझे भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन मैं उसको बड़े दिल के साथ फेस करूंगी। लेकिन मेरा वादा है आपसे कि मैं ये चैनल कभी बंद नहीं होने दूंगी, और अब डिसहार्ट नहीं होंगी कभी भी, इस चीज को लेके मन पे लगा के नहीं बैठूंगी कि लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या लिखा है, क्योंकि अगर कोई मेरे चैनल के ऊपर आके वक्त निकाल के लिखता है तो मतलब वो किसी ना किसी तरह से मेरे से अटैच है, चाहे नेगेटिव वे में चाहे पॉजिटिव वे में, तो वो मेरे लिए अच्छी बात है ना कि बुरी बात है। तो कभी भी अगर आप भी कोई ऐसे नेगेटिव कमेंट्स अपनी जिंदगी में रिसीव करें किसी से, अगर आपके फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या किसी प्रोफाइल के ऊपर आपको कोई ऐसे भद्दे कमेंट्स आते हैं, तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगी कि लड़ाई झगड़ा करने की बजाय उसको इग्नोर ही कीजिए। लड़ाई झगड़े का भी कोई फायदा नहीं होता। हाँ, अगर आपका मन करे आप जवाब दीजिए, लेकिन जवाब इस तरीके से ना दीजिए कि आप ही खुद अपनी जिंदगी में खुद परेशान रहने लग जाए, दैट्स वन थिंग। और कम से कम ये सीख आप इस चीज से लीजिए कि आप एटलीस्ट दूसरों के साथ कभी ऐसा ना करें, किसी अपनी कजन को, बहन भाई को, रिश्तेदार को कभी भी उनको इन चीजों को लेकर पुट डाउन ना करें, मोटा पतला कहकर, या रंग काले को लेकर, या उनकी खूबसूरती को लेकर, या उनकी किसी भी चीज को लेकर उनको पुट डाउन ना करें। अपने आप को उनकी सिचुएशन में रख के सोचिए, अगर आपको कोई वो वर्ड्स कहेगा तो आपको कैसा लगेगा। आई एम श्योर आपको भी बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा, किसी और ह्यूमन को भी बुरा लगेगा। तो कभी हम थोड़ी सी अपनी अगर सोच के दायरे को बढ़ाएं, थोड़ा सा चीजों को सोच समझ के करें, तो हम शायद जिंदगी में कभी भी किसी को हर्ट नहीं करेंगे, जो कि आइडली हमें कभी किसी को हर्ट करने का कोई हक नहीं है, ना ही करना चाहिए। तो दोस्तों, मैसेज आज का वीडियो का यही है बस, कि बहुत सारे भद्दे कमेंट्स और नेगेटिव कमेंट्स हमारे सामने हमें दिखते हैं, मुझे भी दिखते हैं, आते भी हैं, मैं देखती हूं, मेरे फिजिकल अपेयरेंस के ऊपर बातें होती हैं, मेरे बालों के ऊपर बातें होती हैं, मेरे कभी कभी बोलने चालने के ऊपर बातें होती हैं, कई बार मेरी फैमिली के ऊपर भी लोग बातें लिखते हैं। मैं उन सब चीज़ों को पॉजिटिवली ही ले रही हूँ, कोशिश करती हूँ कि उनको नेगेटिव कमेंट्स को, अपने अच्छे जो हजारों कमेंट्स आते हैं उनके ऊपर हावी ना होने दूँ, क्योंकि इनिशियल जब मैंने चैनल शुरू किया था तो कुछ एक महीने मैं थोड़ी डिसहार्ट हो जाती थी, मुझे बुरा लगता था, कभी कभी मैं थोड़ा रोती भी थी कि लोग ऐसा क्यों लिखते हैं। ये हम सबके साथ होता है, क्योंकि हम सारे इंसान हैं, हम सब रिएक्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि ये जिंदगी का अब हिस्सा है, और इसको मुझे जो है जितना हो सके इग्नोर करना है, और बुराई के ऊपर जीत भी अच्छाई से ही करनी है। शायद कोई ये वीडियो देखने वाला जिसने कभी ऐसी गलती की हो, शायद इससे कुछ सीख ले और वो आने वाले टाइम में ऐसा किसी के साथ ना करे, क्योंकि अगर बुरा बीजोगे तो बुरा ही काटोगे, गलत करोगे तो जिंदगी में आपके साथ भी गलत ही होगा। इस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। सो अच्छाई कीजिए, आगे बढ़िए, अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पे जिए, लेकिन किसी को हार्म मत कीजिए, किसी को तकलीफ मत दीजिए। बस ये आज का मैसेज था। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। छोटी सी वीडियो थी, बस मन था दिल की बात आप सबके साथ आके, आपके सामने आके शेयर करूँ। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने जितने जानने वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, सबको जरूर भेजिएगा, और दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बातों को सबको सहन करना पड़ता है। अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो सीता जी को भी बहुत सारे भद्दे कमेंट्स का सामना करना पड़ा था, या और भी रिलीजन्स में बहुत सारी बुक्स में इन सब चीजों का जिक्र आता है, कि जहां हमारे जो मैं पर्टिकुलरली नाम नहीं लेना चाहती, पर हमारे धर्मों में भी अगर आप ध्यान से जाके किताबें पढ़े तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हमारे जिन लोगों को आज हम मानते हैं उनके साथ भी हुए हैं, कि लोगों ने उनको बहुत बुरा भला कहा है। गुरु नानक देव जी को कुराहा कहा गया था, बहुत बुरा कहा गया था लाइफ में। तो ये सारी चीजें जिंदगी में हमारे साथ चलती हैं, और हमें इनको बस
देखना है और इग्नोर करना है, इस चीज को बहुत सीरियस लेके कभी मन में बुरे ख्याल नहीं लाने हैं और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सो चलिए दोस्तों, मैं ममता सचदेवा इससे फाइनल बाय नाउ। आई नो मैं बार बार बाय बोल के भी आगे कंटिन्यू करती रहती हूँ वीडियो को, अभी नहीं करूंगी। सो चलिए इसके बाद मुलाकात होगी किसी अच्छी सी नई वीडियो में, और नया साल हमारे दरवाजे पे है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा अच्छा नया साल चढ़ाइए, खुश रहिए जिंदगी में, और जो भी अपनी गलतियां हैं उससे सीखिए, आगे बढ़िए, एंड आई लव यू ऑल, बाय बाय।